हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम मुच्छी। आज मैं आप सभी लोगों से जिस टॉपिक पे बात करूंगी ना, वो है हेयर स्ट्रेटनर। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टाइल करते हैं आजकल, अपने हेयर को स्ट्रेट करते हैं, कर्लिंग करते हैं। कोई भी हेयर स्ट्रेटनर खरीदने से पहले हम लोग रिव्यू चेक करते हैं और फिर जाके वो अच्छा रिव्यू हो तो खरीद लेते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि वो हेयर स्ट्रेटनर मेरे बालों के लिए है या नहीं, क्योंकि हमें तो वो पता भी नहीं होता है। सो आज मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी हेयर स्ट्रेटनर के बारे में। सबसे पहले तो हेयर स्ट्रेटनर 3 टाइप के होते हैं, सिरामिक, टाइटेनियम एंड टॉर्मालाइन। ये इनकी कोटिंग्स होती है। सिरामिक जो होती है वो एक्चुअली थिक एंड थिन दोनों हेयर पे आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टू स्लाइटली डैमेज हेयर पे आप यूज कर सकते हैं। टाइटेनियम जो होती है वो थिक एंड कोर्स हेयर के लिए होती है, आप इसे फजाइल हेयर, डैमेज हेयर, इस पे आप यूज करके अपना हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। और टॉर्मालाइन जो होती है वो होती है थिक एंड कोर्स हेयर के लिए, और नॉर्मल टू डैमेज हेयर पे आप टॉर्मालाइन का कोटिंग वाला स्ट्रेटनर यूज कर सकते हैं। बात तो हो गई कि हमें किस तरह का हेयर पे किस तरह का स्ट्रेटनर यूज करना चाहिए, पर किस तरह के हेयर के लिए हमें किस डिग्री पे सेट करके हेयर स्ट्रेटनर यूज करना चाहिए ताकि हमारे बाल बहुत ज्यादा जले भी नहीं, डैमेज भी ना हो और बहुत ज्यादा रूखे सूखे ड्राई भी ना हो जाए, परफेक्टली स्ट्रेट हो और हेल्दी रहे, तो उसके लिए कुछ टिप्स है। जैसे कि आपका हेयर टाइप बहुत ज्यादा कोर्स है या थिक है तो आप 460 फ़ारेनहाइट पे रख के अपना हेयर स्ट्रेटनर यूज करें, या तो सिर्फ घना है, बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है तो आप 410 फ़ारेनहाइट पे रख के अपना हेयर स्ट्रेटनर यूज करें। अगर आपकी वेवी लाइट कर्ली हेयर है तो 370 फ़ारेनहाइट पे रखें, अगर नॉर्मल टेक्सचर हेयर है तो 350 फ़ारेनहाइट पे रख के डिग्री पे अपने हेयर को स्ट्रेटनिंग करें, अगर थिन हेयर है, हल्का हल्का कर्ल है तो 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखें, एंड अगर फ्रजाइल हेयर है, बहुत ज्यादा फाइन हेयर है तो 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख के टेम्परेचर को अपने हेयर पे यूज करें। इससे क्या होगी, आपकी हेयर ज्यादा डैमेज भी नहीं होगी और परफेक्टली स्ट्रेट भी हो जाएगी। सो आज ये छोटी सी इन्फो थी आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।